हेलो एवरीवन वेलकम टू अवर चैनल लाइफ एपर क्लासेस एजुकेशन इज द की टू सक्सेस इन लाइफ एंड टूडेज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सोशल साइंस क्लास पार्ट फाइव क्या दोस्तों पार्ट फाइव या पार्ट एट है ये हमारा तो करेक्ट करना है पार्ट एट में सभी का स्वागत है दोस्तों आज हम करने वाले हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाऊंगा मैं जो आपके लिए एग्जाम में आ सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में सारा वर्ल्ड हम वर्ल्ड वॉर फर्स्ट करेंगे और फिर वर्ल्ड वॉर सेकेंड को करेंगे ठीक है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड दोनों कंप्लीट करेंगे आज हम वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की क्लास मैंने कल आपको डिटेल में बताया था कैसे कैसे हुआ था क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट आपका थोड़ा बड़ा हो जाता है इसलिए मैंने अच्छे से करा दिया ठीक है सेकेंड को आज हम कम्प्लीट कर देंगे ख़त्म हो जाएगा फिर हम नेक्स्ट सिरे से कल हम नए सेशन की शुरुआत करेंगे दोस्तों कुछ भी उठा लेंगे हम मॉडर्न इंडिया उठा लेंगे आपका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम उठा लेंगे ठीक है तो हम नए सेशन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों आज आपका ये लास्ट सेशन हो जाएगा सभी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाइए ठीक है सभी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाइए दोस्तों सोशल साइंस की क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है और ये आपका पार्ट एट या पार्ट नाइन होगा जितना भी होगा कोई बात नहीं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है दोस्तों आज सभी की तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाइए शेयर कर दीजिए एक बार सभी अपने दोस्तों को ठीक है कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है सभी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाइए गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू चलिए दोस्तों वर्ल्ड वॉर सेकंड को वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे सबसे पहले तो चैनल स्टार्ट मतलब क्लास स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक आई पेपर क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेलाइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे आई सी आर टेक्नीशियन टीवन पोस्ट की लगातार जोरों शोरों से तैयारी चल रही है दोस्तों बारह पी एम पर आपका क्या आता है प्रैक्टिस सेट आता है सोशल साइंस का मॉर्निंग में आपकी आज मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आए थे ठीक है और आज आपकी शाम को इवनिंग में एक मैथ का प्रीवियस ईयर पेपर आएगा दोस्तों मैथ का ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पेपर आज तक जो तैयार किया है सर ने एनालिसिस करके 2016 या 2018 हज़ार अट्ठारह के एग्ज़ाम में जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे उनसे रिलेट करके और कुछ उन क्वेश्चनों को भी इंक्लूड करके तैयार किया गया है तो सभी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाना और इस इस क्लास की अपडेट दोस्तों टेलीग्राम पर या कम्युनिटी पोस्ट पर आपको मिल जाएगी अभी कुछ टाइम बाद ही ठीक है कि किस टाइम अपलोड होगी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाना मैं अपडेट दे, दे दूँगा इस क्लास को इस क्लास में सभी जुड़ जाना दोस्तों ठीक है तो चलिए दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास हो जाती है आज हम देख लेते हैं दोस्तों वर्ल्ड वॉर ये जो हमारा फर्स्ट था ना जो हमने कल करा था उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह गए थे दोस्तों उन्हें आज हम कंप्लीट करेंगे पहले ठीक है तो दोस्तों कुछ पॉइंट्स जो थे उनके बारे में फर्स्ट मैं बता दूँ थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हुआ था दोस्तों अट्ठाईस जुलाई दो को ठीक है दो से दो के बीच में चला था सब कुछ कल मैं डिटेल में बता चुका हूँ ठीक है थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं स्टार्ट हुआ था अट्ठाईस जुलाई 2014 को दोस्तों इसमें आपकी 37 कंट्रियों ने भाग लिया था ठीक है क्या दोस्तों 37 सेवन कंट्रियों ने पार्टिसिपेट किया था किसमें दोस्तों वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में ठीक है भाग लिया था एक तो ये हो गया ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर जब अटैक किया गया था इसके बाद ही आपका स्टार्ट हुआ था ठीक है स्टूडेंट्स ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर जब अटैक किया गया था इसके बाद ही आपका वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था क्योंकि आपके जो ऑस्ट्रिया के सम्राट थे या राजकुमार थे उन वो दोस्तों अपनी पत्नी के साथ गए थे ना तो उन वहाँ पर उनकी हत्या कर दी गई थी गोली मारकर देन उसके बाद ही दोस्तों ये शुरुआत हुआ था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कल मैंने डिटेल में बताया था दोस्तों क्या हुआ था दोस्तों वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ने आप आपके विश्व को मतलब पूरे वर्ल्ड को दो भागों में बांट दिया था ठीक है डिवाइडेड द वर्ल्ड इन टू पार्ट्स क्या दोस्तों दो पार्टों में बांट दिया था देखते हैं कौन कौन से मैंने कल भी बताए थे आपको दो गुटों में परिवर्तन कर दिया गया था तो इसमें एक तो है नंबर फर्स्ट जो आपका धुरी राष्ट्र दोस्तों दूसरा है आपका मित्र राष्ट्र ठीक है धुरी राष्ट्र में कौन कौन थे दोस्तों धुरी राष्ट्र की बात करें तो धुरी राष्ट्र में आपके थे एक ऑस्ट्रिया हंगरी तुर्की एंड इटली ठीक है ये आपके एक तरफ हो जाते हैं दोस्तों ऑस्ट्रिया हंगरी तुर्की एंड इटली ये सब धुरी राष्ट्र के अंदर आते हैं समझ गए दोस्तों और जो मित्र राष्ट्र के अंदर थे उनकी बात करें दोस्तों ये हो जाएंगे हमारे भाई इंग्लैंड जापान यूएसए एस रसिया और फ्रांस ठीक है कितने हो जाएंगे दोस्तों इंग्लैंड हो गया जापान हो गया हमारा यूएसए हो गया रसिया हो गया और फ्रांस ये एक तरफ थे दोस्तों और इन्हीं के बीच में जब स्टार्ट हुआ था ये कहलाया था हमारा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट समझ में आ गया दोस्तों समझ में आ गया क्या क्या करा रहा हूँ मैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बारे में मैंने कम्प्लीटली कल स्टोरी बताई थी पूरी अच्छे तरीके से जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी है और दोस्तों जिन्होंने पहले की भी क्लास नहीं देखी है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्ले लिस्ट, प्ले -लिस्ट पर जाइए आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी ठीक है कम्प्लीटली प्ले लिस्ट बना दी है उनकी तो दोस्तों वर्ल्ड वॉर फर्स्ट इनके बीच हुआ था समझ में आया दो गुटों का निर्माण किया गया था दोस्तों एक तो एक तो हमारा धुरी राष्ट्र एक मित्र राष्ट्र अब दोस्तों नोट नोट में कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं उनको आप देख लेना अच्छे से और रेगुलर नोट्स बनाते रहिए दोस्तों तो नोट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए हैं मैंने ऊपर वाला तो कल सारा बता ही दिया था यूरोप में गुटबंदी का जनक कौन है दोस्तों क्या है दोस्तों फादर ऑफ फंक्शनलिज्म इन यूरोप यूरोप में गुटबंदी का जनक कौन था दोस्तों ये था आपका जर्मनी का चांसलर ठीक है चांसलर ऑफ जर्मनी बिस्मार्क बिस्मार्क को क्या कहा जाता है दोस्तों यूरोप में गुटबंदी का जनक ठीक है फादर ऑफ फंक्शन फैक्शनलिज्म इन यूरोप ठीक है दूसरा क्या है दोस्तों आपका सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था कौन सी थी क्या दोस्तों सर्बिया की जो सीक्रेट रिवोल्यूशनरी संस्था थी वो कौन सी थी दोस्तों ये रिवोल्यूशनरी सीक्रेट रिवोल्यूशनरी सीक्रेट संस्था कौन सी थी दोस्तों ये थी आपकी काला हाथ ब्लैक हैंड ठीक है क्या नाम था दोस्तों सीक्रेट सीक्रेट रिवोल्यूशनरी का दोस्तों ये गुप्त क्रांतिकारी संस्था का नाम था आपका काला हाथ ठीक है ब्लैक हैंड समझ में आ गया दोस्तों सर्बिया की थी ठीक है आगे बात करें दोस्तों मोरक्को क्राइसिस क्या हुआ था ये मैंने कल डिटेल में बताया आपको मोरक्को पर संकट कब आया था उन्नीस में ठीक है क्या हुआ था दोस्तों ये मैंने आपको बताया था कि एक तरफ तो था आपका मिस्र मिस्र और मतलब मोरक्को के मोरक्को को लेकर लड़ाई हो रही थी दोस्तों कि मिस्र मैं लूँगा ठीक है या मोरक्को मेरा हो जाएगा ये इस तरीके से तो सारा कुछ बताया था दोस्तों मैंने ठीक है जर्मनी और फ्रांस के बीच में हो रही थी जो समझ में आ गया दोस्तों तो आगे चलते हैं दोस्तों आगे पॉइंट है आपका वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पर प्रेसिडेंट ऑफ यू कौन थे तो ये हो जाएंगे हमारे वुड्रो विल्सन प्रेसिडेंट ऑफ़ यू ठीक है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे वुड्रो विल्सन और जर्मनी सरेंडर्ड जर्मनी ने आत्मसमर्पण हुआ था तो नवंबर 1918 को आता इसके बाद आपका अंत हो गया था दोस्तों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का अंत हो गया था ना जर्मनी ने जब सरेंडर किया था तो देन इसके आफ्टर दोस्तों क्या हुआ था आफ्टर देन इसी के तुरंत बाद न्यू चांसलर ऑफ जर्मनी बनाए गए थे दोस्तों वो कौन थे वे थे आपके फेडरिक अबर्ट बने ठीक है फेडरिक एबर्ट बने थे कौन दोस्तों न्यू चांसलर ऑफ जर्मनी कब दोस्तों जब जर्मनी ने सरेंडर कर दिया था ठीक है इसी के बाद आपका वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो था वो खत्म हो गया था दोस्तों एंडिंग हुई थी उसकी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की एंडिंग हुई थी ठीक है समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ दोस्तों इसी के बाद हम वर्ल्ड वॉर सेकंड की तरफ बढ़ेंगे तो सभी कोई भी मतलब क्लास को छोड़ नहीं जाइएगा एंड तक बने रहिए और नोट्स बनाते रहिए दोस्तों तो इतना समझ में आया दोस्तों आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट क्या दोस्तों वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद वायस राय वर्साई की ट्रिटी हुई थी दोस्तों वर्साई की संधि के कारण ही क्या दोस्तों वर्साई की संधि में मैंने आपको बताया था कि काफ़ी सारी ऐसी मतलब कठोर शर्तें रखी गई थी जिसके कारण दोस्तों जर्मनी के जो लोग थे उन्होंने विद्रोह कर दिया था किसके ट्रिटी ऑफ वर्साई के खिलाफ बताया था ना कल सारा तो देन आफ्टर इसके बाद ही दोस्तों वर्ल्ड वॉर सेकंड उत्पन्न हुआ था आपका <coughs> क्या दोस्तों वर्साई की ट्रीटी के विरोध के कारण ही वर्ल्ड वॉर सेकंड उत्पन्न हुआ था दोस्तों तो यहां पर स्टार्ट हो जाता है हमारा वर्ल्ड वॉर सेकेंड देन आफ्टर स्टार्ट हो जाता है भाई हमारा वर्ल्ड वॉर सेकेंड ये आपकी स्क्रीन पर है ठीक है तो चलिए दोस्तों इसके बारे में आपको जानते हैं अच्छे तरीके से स्टोरी के माध्यम से थोड़ा सा कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड दोस्तों कैसे हुआ था सबसे पहले बात करें स्टार्ट कब हुआ था एक सेप्टेंबर उन्नीस को एक सेप्टेम्बर नाइनटीन को इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों कैसे हुई थी जर्मनी ने क्या दोस्तों अटैक किया था पोलैंड पर समझ में आ गया दोस्तों क्योंकि जर्मनी के लोग ही तो भड़के हुए थे ट्रीटी ऑफ वरसाई के ख़िलाफ़ तो जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक किया भाई मेन रीज़न तो यही था दोस्तों जो आपका वर्ल्ड वॉर सेकंड का जो मेन रीज़न हो जाता है मेन रीजन ऑफ वॉर तो ये था आपका मेन रीज़न क्या दोस्तों जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक किया था समझ में आया देन आफ्टर दोस्तों जब पोलैंड पर अटैक किया जर्मनी ने देन इसके आफ्टर ही आफ्टर टू डेज दो दिन बाद दोस्तों फ्रांस एंड ब्रिटेन एक तरफ थे फ्रांस एंड ब्रिटेन ठीक है और जर्मनी एक तरफ था तो फ्रांस एंड ब्रिटेन ने जर्मनी पर युद्ध की घोषणा कर दी ठीक है वॉर की घोषणा कर दी दोस्तों जर्मनी पर किसने दोस्तों फ्रांस एंड ब्रिटेन ने ठीक है किसके बाद दोस्तों जब जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक किया था और इसी के बाद दोस्तों दो दिन बाद फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मनी पर अटैक की घोषणा कर दी थी तो ऐसे ही ऐसे आपका क्या हुआ दोस्तों इसी के साथ साथ वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हो गया इसी के साथ साथ वर्ल्ड वॉर सेकेंड आर स्टार्टेड ठीक है समझ में आया दोस्तों कैसे हुआ वर्ल्ड वॉर सेकेंड इसी के साथ साथ आपका स्टार्ट हो गया था दोस्तों कब दोस्तों जर्मनी ने पहले पोलैंड पर अटैक किया था क्योंकि जर्मनी के जो लोग थे वो वर्षा की संधि के ख़िलाफ़ हो गए थे वरसाए की संधि में काफ़ी सारी कड़वी बातें कही गई थी इसलिए ठीक है और आफ्टर टू डेज़ दोस्तों जब अटैक हुआ उसी के तुरंत बाद जर्मनी पर फ्रांस और ब्रिटेन ने हमला करने के लिए घोषणा कर दी थी और दोस्तों इन्हीं कारणों को लेकर इन्हीं रीज़न्स को लेकर ठीक है इन्हीं रीज़न्स को लेकर आपका वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हो गया था तो ये आपका समझ में आ गया दोस्तों वर्ल्ड वॉर कैसे हुआ था एंडिंग कब हुई थी दोस्तों एंड हुआ था ये आपका टू सेप्टेम्बर 1945 को ठीक है 2 सितंबर 1945 को इसकी एंडिंग हुई थी दोस्तों और इसमें इकसठ कंट्री ने भाग लिया था ये अच्छा क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों इसमें एकट इकसठ सिक्सटी वन कंट्री ने भाग लिया था भाई ठीक है 61 कंट्री ने और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में दोस्तों कितनी ने लिया था 37 कंट्रियों ने 37 कंट्री ने भाग लिया था वर्ल्ड वॉर सेकेंड में इकसठ आ गए ठीक है दुग्न या तो वर्ल्ड वॉर सेकंड में इकसठ कंट्रियों ने भाग लिया था बट फिर भी वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जितनी इकोनॉमिक को हानि हुई थी ना वो वर्ल्ड वॉर सेकंड में भी नहीं हुई ठीक है तो क्या दोस्तों एंडिंग हो गई हमारी किसकी वर्ल्ड वॉर सेकेंड की अब हम बात करें दोस्तों कुछ मेन मेन पॉइंट इसके तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मन जर्नल क्या दोस्तों जर्मन जर्नल रोमेल नाम का जो दोस्तों जर्मन जो जर्नल थे रोमेल नाम के उनका नाम क्या रखा गया था दोस्तों डेजर्ट फॉक्स ठीक है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मन जर्नल जो थे रोमेल इनका नाम चेंज कर कर क्या रखा गया था दोस्तों इस वर्ल्ड वॉर में में डेजर्ट फॉक्स समझ आया क्या नाम रखा गया था दोस्तों डेजर्ट फॉक्स इनका नाम रखा गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये क्या थे दोस्तों ये जर्मन के जर्नल थे ठीक है <coughs> ये जर्मन के जर्नल थे भाई क्या है दूसरा क्या आ जाता है दोस्तों म्यूनिक पैक्ट क्या दोस्तों म्यूनिक पैक्ट कब हुआ था ये आपकी डेट डाल लेना दोस्तों सेप्टेम्बर उन्नीस में हुआ था ठीक है ये स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन मतलब वन लाइनर क्वेश्चन हो जाता है तो इसे आप डायरेक्टली लिख, लिख लेना लिख लेना ठीक है म्यूनिक पैक्ट कब हुआ था दोस्तों सेप्टेम्बर उन्नीस में हुआ था आगे चलते हैं दोस्तों जर्मनी अपोज्ड ट्रिटी ऑफ वर्साए क्या दोस्तों जर्मनी ने वर्साए की संधि का विरोध किया था 1935 में इसी के बाद आपका वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हुआ था ठीक है पोलैंड पर हमला हुआ था तो जर्मनी ने अपोज किया था क्या दोस्तों ट्रिटी ऑफ वर्साए का कब दोस्तों उन्नीस में समझ में आ गया एक बार थम कर दे सारे के सारे कि सर समझ में आ रहा है भाई एक बार थम कर दीजिए जल्दी से जल्दी ठीक है कंटेंट आपको एकदम अच्छे लेवल का प्रोवाइड करा रहा है तो एक बार थम कर दीजिए सारे के सारे की समझ में आ गया सर तो आगे चलते हैं दोस्तों आगे हो जाता है अब हमारा स्पेन में युद्ध ग्रह स्टार्ट हुआ था उन्नीस में ही ठीक है स्पेन में ही युद्ध ग्रह ग्रह युद्ध या युद्ध ग्रह ग्रह युद्ध स्टार्ट हुआ था दोस्तों उन्नीस में ठीक है और इटली और जर्मनी का जो शिकार था ना दोस्तों इस युद्ध में वर्ल्ड वॉर सेकंड में इटली और जर्मनी का शिकार कौन था दोस्तों स्पेन इटली एंड जर्मनी का शिकार था स्पेन ठीक है तो ये भी समझ में आ गया दोस्तों जर्मनी का मतलब जर्मनी द्वारा यूएसए पर अटैक की योजना को कहा गया था कौन दोस्तों बारबोसा कहा गया था मतलब जर्मनी जो था ना वो आपका यूएसए पर अटैक की योजना बना रहा था जर्मनी जो था वो आपका यू पर अटैक की योजना बना रहा था ठीक है और इस योजना को ही क्या कहा गया था दोस्तों इस योजना को ही आपका कहा गया था बार बोसा कहा गया था ठीक है क्या बार बोसा समझ में आया दोस्तों किसे इस योजना को ही ये जो योजना थी हमारी ठीक है थीके? तो ये समझ में आया दोस्तों देन आफ्टर इसके बाद जब जर्मनी सोच रहा था अटैक करने की तो इसी के बाद तुरंत बाद अमेरिका ने जर्मनी पर अटैक किया ठीक है अमेरिका की एंट्री हुई वर्ल्ड वॉर सेकंड में अमेरिका के सेकंड वर्ल्ड वॉर में एंट्री ठीक है कब हुई थी दोस्तों एट दिसंबर नाइनटीन फोर्टी वन को इसकी अमेरिका की एंट्री होती है सेकंड वर्ल्ड वॉर में ठीक है और एंट्री के बाद ही दोस्तों इन्होंने क्या किया एंट्री करने का क्या कारण कारण क्या था दोस्तों मतलब जब इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंट्री करी थी तो इसका कारण क्या था दोस्तों अमेरिका का सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आने का क्योंकि अमेरिका तो बिल्कुल अलग ही था ना तो दोस्तों जर्मनी ने जो अमेरिका पर अटैक करने की योजना बनाई थी ना उसी के तुरंत बाद ही अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर में एंट्री की ठीक है और एंट्री के जस्ट बाद ही बाय जापान ठीक है देखो देखो रीज़न क्या था दोस्तों जापान ने 7 दिसंबर 1941 को हवाई द्वीप पर स्थित ठीक है पर्ल हार्बर के अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर अटैक कर दिया था जर्मनी ने जो योजना बना रहा था ना दोस्तों बार बोसा कहा गया था इसी योजना में मतलब क्या हुआ था जापान ने 7 दिसंबर 1941 को हवाई द्वीप कहाँ पर है दोस्तों ये आपको पता है अमेरिका में है ठीक है भाई हवाई द्वीप कहाँ है हमारा हमारा यूएसए में ही तो है तो हवाई द्वीप पर स्थित है हमारा पर्ल हार्बर जो क्या है दोस्तों अमेरिकी नौसैनिक अड्डा है इस पर अटैक कर दिया था किसने दोस्तों जापान ने समझ में आया जापान ने अटैक किया था देन इसके बाद ही दोस्तों अमेरिका की एंट्री हुई थी किस में दोस्तों वर्ल्ड वॉर सेकेंड में और इसको क्या दोस्तों इसके बाद क्या हुआ था दोस्तों एक बार इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं कुछ स्टूडेंट इंग्लिश में भी हैं ऑन सेवन दिसंबर नाइनटीन फोटी वन द अमेरिका नेवल बेस एट पर्ल्ड हरवर ऑन द हवाइन आइसलैंड वाज अटैक्ट बाय जापान ठीक है समझ में आया दोस्तों और इसी के बाद दोस्तों क्या हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपका

तो ये कौन थे दोस्तों रुजवेल्ट ठीक है कौन थे दोस्तों रुजवेल्ट जो थे ये प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए थे वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे कोई और थे जो मैंने आपको ऊपर बताया ठीक है तो प्रेसिडेंट ऑफ यू एस रुजवेल्ट थे वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे और ट्रिटी ऑफ वर्साए को आरोपित संधि भी कहा गया था दोस्तों सेकेंड पॉइंट है हमारा ट्रिटी ऑफ वर्साए को आरोपित संधि आरोपित ट्रिटी भी कहा जाता है ठीक है आरोपित ट्रिटी आगे समझ में दोस्तों कि आरोप लगाने वाली ठीक है दूसरे के ऊपर आरोप लगाने वाली संधि कहा जाता है आरोपी ट्रीटी कहा जाता है ट्रीटी ऑफ वर्साय को दोस्तों देन इसके बाद इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जर्मनी की पराजय का श्रेय किसे जाता है दोस्तों रूस को क्या जो जर्मनी ने आत्मसमर्पण किया था सरेंडर किया था भाई तो उसका मतलब जो श्रेय जाता है वो उसमें सबसे ज़्यादा हाथ किसका रहा था रूस का रहा था दोस्तों जर्मनी को क्या करने का दोस्तों सरेंडर कराने में समझ में आया ये एंड होने वाला है दोस्तों आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड चल रहा है ज़्यादा कुछ नहीं था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बट जितना भी था मैंने सफिशियंट कराया आपको ठीक है सफिशियंट कराया है दोस्तों सारा का सारा ठीक है वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड होगा कुछ ही देर में तो दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान पर परमाणु अटैक किया था ठीक है 6 अगस्त 1945 को जापान पर परमाणु अटैक हुआ तो दोस्तों छः अगस्त को हुआ था वो हुआ था आपका हीरो सीमा पर ठीक है इसे क्या नाम दिया गया था दोस्तों हीरो सीमा पर हुआ था उसका नाम था लिटिल बॉय और जो प्रणाली थी परमाणु बम की वो थी आपकी यूरेनियम ट्वेंटी फाइव यूरेनियम दो सौ पच्चीस टू 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 फाइव ठीक है जो प्रणाली थी आपकी बम की जो परमाणु बम की प्रणाली थी उसमें जो यूज हुआ था तो वो था दोस्तों आपका यूरेनियम ट्वेंटी फाइव टू टू फाइव ठीक है दो सौ पच्चीस और सेकेंड परमाणु अटैक हुआ था दोस्तों बाय अमेरिका ठीक है जापान पर तो वो किस पर हुआ था दोस्तों नाइन अगस्त तीन दिन बाद दोस्तों नाइन अगस्त उन्नीस को नागा सागी पर हुआ था ये दोस्तों दो ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनके बारे में कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट परमाणु अटैक को क्या कहा गया था लिटिल बॉय सेकंड वाले को क्या कहा गया था फाटमैन कहा गया था ये रहा आपका नेम क्या था दोस्तों सेकंड परमाणु अटैक का नाम था फाटमैन ठीक है इसमें दोस्तों जो प्रणाली या पद्धति यूज हुई थी वो थी आपकी प्लेटिन प्लेटिनम टू नाइन थ्री ठीक है प्लेटिनम दो सौ तिरानवे थी इसकी पद्धति जो थी इसमें यूज हुई थी ठीक है किसमें परमाणु अटैक में आया समझ में दोस्तों ये सारा कुछ देन आफ्टर इसके लास्ट जो एंडिंग हुई थी आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर की क्या हुआ था दोस्तों जापान ने सरेंडर कर दिया था जापान ने आत्मसमर्पण के बाद वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड हो गया खत्म हो गया जो सरेंडर किया था दोस्तों इन फ्रंट ऑफ मैक औरथर मतलब मैक औरथर के सामने किया था ठीक है मैक ऑर्थर के सामने किया था किसने दोस्तों जापान ने सरेंडर किया था समझ में आया दोस्तों और सेकंड वर्ल्ड वॉर में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा था यूएसए का ये तो सभी को पता ही होगा सेकंड वर्ल्ड वॉर में सबसे बड़ा योगदान किसका था अमेरिका का था संयुक्त राज्य अमेरिका का था ठीक है यूएसए का था तो दोस्तों ये था आज की आपकी सीरीज में बताना सीरीज कैसी लगी वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हो चुका है आपका ठीक है तो जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने सभी आपको बता दिए हालांकि ज़्यादा बड़ी सीरीज नहीं थी बट फिर भी हमने जितना कवर कराया है वो मोस्ट सफिशेंट है और दोस्तों कल से तैयार रहना आप क्या कल से तैयार रहना एक न्यू सेशन की शुरुआत करेंगे सोशल साइंस में सोशल साइंस भी कवर हो जाएगी आपकी इससे और आपकी हिस्ट्री भी कवर हो जाएगी भाई ठीक है हिस्ट्री भी कवर हो जाएगी क्या करेंगे दोस्तों कल से हम मॉडर्न इंडिया की शुरुआत करेंगे तो दोस्तों ये जो सीरीज होगी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी सभी को जुड़ना है इसमें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स देने की कोशिश करनी है क्योंकि आपकी है दो एग्जाम में पूछी मतलब दो सेक्शन में पूछी जाएगी सोशल साइंस वाले में और हिस्ट्री वाले में और आपका इससे जी वाली सीरीज़ में भी क्वेश्चन बन सकता है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है क्या दोस्तों मॉडर्न इंडिया की कल शुरुआत करेंगे अच्छे तरीके से आधुनिक भारत के बारे में पढ़ेंगे स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ेंगे सारा कुछ पढ़ेंगे महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे सब कुछ ठीक है तो ये आज का सेशन था दोस्तों कल से आप तैयार है ना नए सेशन के लिए और बताना कि सभी तैयार है एक बार थंब कर देना ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स और कमेंट में कर देना कि सर तैयार है ठीक है थोड़ा मोटिवेशन दे देना और अच्छे तरीके से कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा मॉडर्न इंडिया आपका ग्राफ तरीके से ही होगा ऐसे ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में दोस्तों शाम को तैयार रहना आप मैथ के प्रीवियस ईयर पेपर के लिए ठीक है शाम को तैयार रहना मैथ के प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर के लिए जो आपका 2022 के लिए एक्सपेक्टेड होगा बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट और 7 पीएम पर धुआंधार सीरीज होती है हमारी जर्नल साइंस की तो वो तो रेगुलर ही है उसमें सभी का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स होता है ठीक है तो उसमें भी जुड़ जाना चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में स्वस्थ रहिए मस्त रहिए और अपनी तैयारी जोरों शोरों से करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सभी रेड बटन को काला कर दीजिए ठीक है धन्यवाद दोस्तों